Okay. Good morning, ma'am. Good morning, children. Namaste, good morning ma'am. To all of morning, you. Good morning, ma'am. 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 Namaste, ma'am. Good morning, ma'am. Namaste, ma'am. Good morning, ma'am. Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. मैं सभी बच्चों को देख रही हूँ जो एक बार गुड मॉर्निंग बोलेगा अभी वो दोबारा गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा। गुड मॉर्निंग नमस्ते ओके नाउ First of all, thank you to all of you who wear mask during class, who wear mask during class. जिसने भी मास्क पहना है क्लास के दौरान उनको thank you so much. Okay, now अभी मुझे कुछ बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं उनको स्पेशल थैंक यू जो स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं Likely, मैं अभी बता देती हूँ सानवी सिंह स्कूल यूनिफॉर्म में मुझे दिखाई दे रही है ओके सानवी सानवी के अलावा भी और बच्चे हैं बट थोड़ा सा क्या है ना स्क्रीन पे फ्लक्चुएशन हो रही है तो मैं बता देती हूँ एक है मानवी सिंह सानवी मानवी हर्ष कुमार ये बच्चे यूनिफॉर्म में हैं ओके और देख लेते हैं और कौन बच्चा है सिद्धि शर्मा है हमको दिखाई दे रही स्कूल यूनिफॉर्म में वेरी गुड और कौन है देखें नेक्स्ट पेज पर और कौन है भाई स्कूल यूनिफॉर्म में और नेक्स्ट पेज पर दीपराज सिन्हा है और रिद्धिमा सिंह भी है स्कूल यूनिफॉर्म में और कौन है भाई अभिराज भी है क्या नहीं अभिराज नहीं है बट ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा था क्लास का अच्छा और फर्स्ट पेज पर बस तीन चार बच्चे हैं ओके मास्क तो सबने पहना है ये तो मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट सभी ने पहना है दो चार बच्चों को छोड़ करके सेकेंड पेज पर यूनिफॉर्म में कोई नहीं है नहीं है ना सिद्धि सिंह है सेकेंड पेज पर सिद्धि तुम बहुत अच्छी लग रही हो तुमको तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छे से बाल बनाया है हर्ष मास्क और यूनिफॉर्म में भी है इसके अलावा भाई कोई छूट जाएगा तो फिर मेरे को सोच लेना कि मैम से गलती हो गई ऐसे मैम कोशिश कर रही है कि जितने भी बच्चे हैं मास्क में उन सभी को एक बार बोल दें कि हाँ भाई आपने मास्क पहना है और थैंक यू लेकिन फिर भी कोई बच्चा अगर स्क्रीन पे रह जाता है जैसे मुझे कुछ बच्चों की तस्वीरें भी दिखाई नहीं दे रही है पीहू सिंह अमितेश नरोत्तम नीलाक्ष प्रत्यक्षा सुप्रिया आराध्या इनकी तस्वीर मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है तो हो सकता है ये बच्चे भी यूनिफॉर्म में बैठे हों बट चलो उम्मीद करते हैं एक और दो दिन में आप सभी बच्चे जितने भी हैं वो सभी यूनिफॉर्म में ही बैठेंगे स्कूल यूनिफॉर्म में और सपोज हमारे पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है देन अनदर ऑप्शन क्या है हमारे पास व्हाइट शर्ट तो सबके पास होगी व्हाइट शर्ट पहन लेंगे ओके और रिद्धिमा सिंह व्हाई यू डू दिस ऐसे क्यों कर रही हो रिद्धिमा इस तरह हाथ रख के हाँ तो हमने भाषा अभ्यास के दो पेज कर लिए हैं दो तीन चार पेज कर लिए हैं और अभी हम करेंगे भाषा माधुरी हिंदी की दो किताबें हैं भाषा अभ्यास और भाषा माधुरी तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे भाई आज की डेट ठीक है आज की डेट हमारी क्या है कोई मुझे बता सकता है आज की डेट क्या है पर आपको तो म्यूट किया हुआ है हाँ रिद्धिमा तो हाथ खड़े करने में आ गया है भाई ओके सो आज की डेट हम देख लेते हैं क्या है डेट
कोई मुझे बता सकता है आज का डेट? मैं एक मिनट आपको अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि मैं देखूं मेरे कितने बच्चों को पता है डेट। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, मैं जिसका नेम लूंगी वही बोलेगा, ठीक है? नहीं तो फिर क्लास में शोर होगी, फिर मैं म्यूट कर दूंगी आप लोगों, फिर दोबारा से तो कोई फायदा नहीं। ओके रिद्धिमा, ओके। मुझे मैसेज भी आने लगे हैं, आयुष राज ने लिखा है 19th अप्रैल, बट टुडे इज 19th अप्रैल। सोचो, यस टुडे इज मंडे एंड टुडे इज 19th अप्रैल। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाषा माधुरी की जो किताब है, उस भाषा माधुरी की किताब में हमें दिया हुआ है पाठ एक सीखो, उस पाठ पर हम डेट डालेंगे। क्या डेट डालेंगे हम? 19/4/2021। और ये हमारा क्या है? ये है हमारा CW। ओके, 19th अप्रैल CW। पाठ का नाम क्या है हमारा जो पाठ पढ़ेंगे? वो है सीखो। और कौन सी बुक है हमारी? हिंदी माधुरी की। कौन सी बुक है हमारी? हिंदी माधुरी की बुक है। ओके, तो माधुरी की बुक में पाठ सीखो, क्या आप बच्चे बुक देख पा रहे हैं तो हाथ खड़े कीजिए। अगर आप बच्चे बुक अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है। और अगर नहीं देख पा रहे होगे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, अपनी बुक अपने सामने ओपन करके रखेंगे, अपनी बुक अपने सामने ओपन करेंगे और मैम एक बार रीडिंग करेंगी और उसके बाद फिर आप लोग जो है उसे पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए मैम स्टार्ट कर रही है पाठ सीखो। सूरज की किरणों से सीखो, क्या है? तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो, मेहनत से आगे बढ़ना। दूसरा पैराग्राफ, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा, सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। उसके बाद है थर्ड पैराग्राफ, कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई, अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। तो ये हमारी पोयम है 4, 4, 8 और 4, 12। 12 लाइन की पोयम है। अभी हाथ नहीं खड़े करना है, ठीक है? और पोयम क्या है हमारी, अब ये पोयम मैम आपको पढ़ के बताएंगी। सूरज की किरणों से सीखो, तुम सदा समय पर उठना। अभी सभी का माइक म्यूट है लेकिन सभी बच्चे बोलेंगे, क्योंकि फिर अनम्यूट करने के एक बार प्रैक्टिस करेंगे, पर बोलो एक बार मेरे पीछे पीछे। सूरज की किरणों से सीखो, तुम सदा समय पर उठना। चलिए बोलिए सब बच्चे। चींटी से अब तुम सीखो, मेहनत से आगे बढ़ना। चलिए बोलिए। चींटी से अब तुम सीखो, मेहनत से आगे बढ़ना, ठीक है?
सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से तुम सीखो, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। हाथ नहीं खड़े करेंगे ना, हाथ कोई भी बड़ा नहीं, बच्चा नहीं करेगा खड़ा। ठीक है, अभी दूसरी है इधर, दूसरी चार लाइनों में क्या है हमारे, दूसरी चार लाइनों में क्या है, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। चलिए बोलिए, सबके लिप्स में देख रही हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा है, उसके बाद है सदा समय पर पाठ पढ़ो दीन दुखी की मदद करो, सदा समय पर पाठ पढ़ो दीन दुखी की मदद करो, कभी किसी से ना करो लड़ाई, कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में है भलाई, मिलजुल कर रहने में ही है भलाई, अपने बड़ों को शीश झुकाओ कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। ठीक है, अभी ये पाठ मैं आपको परमिशन दे रही हूँ अनम्यूट करने का, लेकिन मैं जिनको बोलूंगी सिर्फ वही बच्चे सिर्फ वही बच्चे क्या करेंगे, मुझे सुनाएंगे। चलिए वेदांत अभिराज कुमार, अभिराज अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। सूरज की किरणें से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा, सदा समय पर पाठ पढ़ो दिन दुखी की मदद करो, कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई, अपने बड़ों की को शीश झुकाओ कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। थैंक यू मैम। एक ही एक पैरा पढ़ना है, अभिराज ने पूरा पैरा पढ़ा उस तरह नहीं पढ़ना है, एक पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, सो अभिराज को हम फर्स्ट पैराग्राफ मानते हैं। अब यशवीर सिंह पढ़ेगा, यशवीर सिंह सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ है आपका ये। ठीक है, चलिए यशवीर सिंह। इधर उधर मत कूड़ा, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ा दान में डालो कूड़ा, सदी सदा
समय पर पाठ पढ़ो, दिन दुख की मदद करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने जो है एक ही पैराग्राफ पढ़ा, वेरी गुड। अब बेटा अपने आप को म्यूट कर लो, जैसे अभी आपने पढ़ा इसी तरह से अगर सभी बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत खुशी होगी। मैम क्या मैं सुना सकती हूँ अगला पैराग्राफ? फिर से स्टार्ट हो गया ना, मैम मैं सुना सकती हूँ, मैं सुना सकती हूँ। ये बताइए। ओके, मैं अभी दे रही हूँ किसको, मैं देखती हूँ। मैम भद्रा मूर्ति कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। हाँ, आगे। अपने से झुकाओ कोयल दिव्यांश राज अपने आप को म्यूट कीजिए। फिर दूसरा बच्चा बोल रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा ना बेटा, आप बोलिएगा तो। चलिए, फर्स्ट पेज पे मुझे समृद्धि झा यूनिफॉर्म में दिख रही है। समृद्धि बेटा अनम्यूट कीजिए अपने आप को और पोयम सुनाइए, मतलब पढ़िए। समृद्धि बेटा सुन रहे तो कीजिए बेटा ऑन। यस मैम। हाँ बेटा, चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए पोयम का। सूरज की किरणों से सीखो, पढ़िए बेटा समृद्धि। सूरज की किरणों से सीखो। अगर बुक नहीं है तो बुक यहाँ से देख लो बेटा, स्क्रीन पर से। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चीटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। वेरी गुड समृद्धि। अभी हम जाते हैं दूसरा यूनिफॉर्म में, बच्चा देख लेते हैं कौन है स्कूल यूनिफॉर्म में, ताकि उन बच्चों को यहाँ से तो मैम ट्रॉफी नहीं दे सकती है ना, लेकिन उनको ये अवार्ड दे सकती है कि वो उनको आज क्लास में स्पीक करवा लेंगी। ओके, सिद्धि शर्मा बेटा और समृद्धि। वेरी गुड समृद्धि, बहुत अच्छी बच्ची है सिद्धि। यस, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो बेटा, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, पूरे दान में ही डालो कूड़ा, सदा समय पर पाठ पढ़ो, दिन दुखी की मदद करो। थैंक यू मैम। ओके, अभी हम थर्ड बच्चे के पास जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे, वो है मानवी सिंह। मानवी सिंह बेटा थर्ड पैरा पढ़िए लास्ट, अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई, अपने भरोसों से झुको कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। ठीक है, चलो अभी ये पोयम हो गया हमारा, ठीक है। और ये पोयम, ये कविता जो है हम सबको याद करनी है, सभी बच्चों को। अभी हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, कौन से पेज पर? नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, यानी कि पेज नंबर टू पे। अच्छा, सभी बच्चों की टर्न आएगी, जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहना है उसकी भी टर्न आएगी, लेकिन अभी जो है ना, मैं जिसका जिसका यूनिफॉर्म है मैं उसको पहले टर्न दे देती हूँ, उसके बाद टर्न आएगी, ठीक है। अभी दीपराज सिन्हा अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, बताइएगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में जो ठीक है उन पर सही का निशान लगाओ।
अब जो मैं जो वाक्य मैं बोल रही हूँ आपको, अगर वो वाक्य सही है तो आपको क्या बोलना है, सही, और गलत है तो क्या बोलेंगे, गलत। तो वाक्य है सूरज की किरणें सदा समय पर आती हैं, क्या ये सही है दीपराज? लगता है दीपराज हमें नहीं सुन पा रहा है, इसलिए वो अपने आप को म्यूट नहीं कर पा रहा है। ओके, सानवी सिंह मुझे बताएगी। ओके, दीपराज लगता है सुन रहा है। डियर पेरेंट्स, दीपराज की थोड़ी हेल्प कर दें, वो थोड़ी परेशान लग रहा है। सही है। ओके बेटा, अच्छा ये बताओ, कूड़ा इधर उधर फेंकना चाहिए, सही है दीपराज? ओके, वेरी गुड। अब म्यूट कर लो बेटा। सानवी, अब आप बताइए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सही है? यस मैम। चलिए ठीक है, अब अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन ही पूछ पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं। यूनिफॉर्म में मुझे हर्ष दिखाई दे रहा है। ओके हर्ष कुमार, हर्ष बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो। उसके बाद नीलाक्ष नयन, कोयल जैसे बोल बोलने चाहिए, सही है या गलत है? सही है मैम। ओके, अपने बड़ों को शीश झुकाना चाहिए, सही है या गलत है? सही है। ये तो कोई और ही बच्चा बोल रहा है, कोई बात नहीं। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। अब कोई यूनिफॉर्म में नहीं है। अब जो बच्चा मेरे क्वेश्चन पे हाथ खड़ा करेगा, मैं फटाफट उसी से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, ठीक है? रक्षित, मैम क्लास है, क्लास के बाद अगर बात करो। सो अभी वेदांग कश्यप ने किया हुआ है। वेदांग आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे। वेदांग अनम्यूट कीजिए जो अपने आप को। हमें सूरज की किरणें से क्या सीखना चाहिए? वेदांग के बाद प्रियांशु अनम्यूट कर लो अपने आप को, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी। प्रियांशु, वेदांग के बाद तुम्हारी टर्न है, अनम्यूट कर लो। प्रियांशु आप ही आंसर कर दो, वेदांग नहीं दे पा रहा अभी। हाँ बोलिए वेदांग। वेदांग बेटा बोलिए, हमें सूरज की किरणों से क्या सीखना चाहिए? ओके वेरी गुड, ये मुझे बोला है प्रियांशु ने। ओके अभी अश्विन मुझे रिप्लाई करेंगे, चींटी हमें क्या सिखाती है? चींटी हमें मेहनत से आगे बढ़ना सिखाती है। ओके नाव कुमार दिव्यदर्श, आप मुझे बताएंगे चींटी हमें क्या सिखाती है? कुमार दिव्य बताइए बेटा, चींटी हमें क्या सिखाती है? निशिता अनम्यूट कर लो अपने आप को बेटा, जिसका नेम लेंगे वो अनम्यूट करेगा। चींटी हमें मेहनत करना सिखाती है मैम। ठीक है अब अपने आप को म्यूट कर दो। देखो आंसर दे दिए ना बेटा, तुम अपने आप को म्यूट कर लो। निशिता टेल मी, सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? सूरज की किरणें हमें सुबह सुबह उठना सिखाती है। अक्षय कुमार, एक तो आपका कैमरा ऑन नहीं है और आप बिना नाम के बोल देते हो, फिर टिक नहीं कर पाएंगे मैम ना। हाँ
वेरी गुड, अब कैमरा ऑन हो गया, आप बोलिए। अच्छा आप यूनिफॉर्म में थे अक्षय, मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे यूनिफॉर्म में। ओके कॉलर सही कर लो, बताओ कूड़ा डाल, कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? ठीक है ओके, काव्या मिश्रा ने भी आंसर दे दिया। ओके उसके बाद अभी नेक्स्ट मैं बोलती हूँ, कौन बच्चा रह गया? अक्षय कुमार का हो गया, काव्या मिश्रा ने नहीं बोला। ओके हमारी भलाई किसमें है? ओके काव्या आप बताइए हमारी भलाई किसमें है? ओके गौरी कुमारी, गौरी कुमारी आंसर दीजिए। नीलाक्ष ने क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, शिवम बच्चों क्वेश्चन पूछना और सभी से पूछना एक ही दिन में ये पॉसिबल है नहीं ना? अभी मेरे पास मैसेज आए हैं, जो बच्चे हैंड्स अप किए हुए हैं मैं उन बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जिस भी बच्चे ने हमें आंसर रिप्लाई किया है या जिसने अपना हैंड ऐसे रेज किया खड़ा किया है, मैं स्क्रीन पे देखी हूँ, उससे मैंने क्वेश्चन पूछा है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिस बच्चे का नाम एक बार मीटिंग में मैम ले ले वो बच्चा परेशान नहीं हो, ठीक है? क्योंकि हमारे अपने दूसरे दोस्तों का भी तो नाम मैम सुनेंगी ना, ठीक है? प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी हमारी भलाई किसमें है? सिद्धि शर्मा तुमने नाक में क्या किया है बेटा? रिद्धि सिंह आपसे बात हुई है हमारी इस मीटिंग में? प्रत्यक्षा की लगती है डिस्कनेक्ट हो गई है। ओके रिद्धि सिंह आप बताइए हमारी भलाई किसमें है? शिवम यादव मैं आपको तो दो बार क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ पर आपने बोला मैम मेरा मेरे बारे कब आएगी, मैं तो आपको दो बार बोली हूँ शिवम, शिवम आंसर दीजिए, आपने रिप्लाई नहीं किया। चलिए अभी मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है। ओके अभी मेरे को सुजल बताएंगे, ठीक है सुजल? ओके सुजल मुझे बताइए हमारी भलाई किसमें है? हमारी भलाई मिलजुल कर, मिलजुल कर रहने में है। हमारी भलाई किसमें है? मिलजुल कर रहने में है, ठीक है ओके वेरी गुड। अब मैं आप लोगों के सभी आंसर एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है? आप सबको म्यूट करके मैं अभी सारे आंसर एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है? तो आपके स्क्रीन पर आपको बुक दिखाई देगी, जब आप मैम का स्क्रीन ऑन करेंगे तो आपको अपनी बुक दिखाई देगी, और अगर नहीं दिखाई दे रही है बच्चों तो आपके पास आपकी अपनी बुक है। पूरे बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, प्रत्यक्षा चहर ने, उत्कर्ष ने, ईशान शेखर ने, शिवम यादव, रचित, इन सब ने हाथ खड़े किए हैं बेटे, बट अभी आप देख लीजिए, ठीक है?
पहला है नीचे दिए गए वाक्यों में जो ठीक है उन पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, दिया हुआ है ना। अब हमें क्या करना है, जो भी वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य में अगर वो वाक्य सही है तो हम उस पर निशान लगाएंगे सही का। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को बुक अच्छे से दिख रही होगी। सूरज की किरणें सदा समय पर आती हैं, सही है, इसलिए इसको टिक करेंगे। ख, कूड़ा इधर उधर फेंकना चाहिए, गलत है, नहीं, कूड़ा हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद ग, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सही है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ओके, उसके बाद है कोयल जैसे बोल बोलने चाहिए। यस, कोयल जैसे बोल का मतलब होता है मीठी वाणी, अच्छी वाणी। उसके बाद है अंग, अंग क्या है, अपने बड़ों को सदा शीश झुकाना चाहिए, हमें अपने बड़ों को हमेशा शीश झुकाना चाहिए, जो हमसे बड़े होते हैं ना उनके आगे शीश झुकाना चाहिए, यानी कि उन्हें प्रणाम करना चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद प्रश्न दो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, हमें एक वाक्य में देना है, आपको ग्रुप में ये रिटर्न में भी मिल जाएगा पर आप अभी यहाँ भी लिख सकते हैं। हमें सूरज की किरणों से क्या सीखना चाहिए, हमारी पोयम की पहली लाइन क्या बताती है, सूरज की किरणों से सीखो, पहली लाइन है ना, तुम सदा समय पर उठना, तो सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए, सदा समय पर उठना। उसके बाद है चींटी हमें क्या सिखाती है, चींटी हमें क्या सिखाती है, ये हमारी कविता की तीसरी पंक्ति है, मेहनत से आगे बढ़ना, चींटी हमें क्या सिखाती है, मेहनत से आगे बढ़ना। ग, कूड़ा कहाँ डालना चाहिए, हमारी कविता की सिक्स्थ लाइन, छठी लाइन क्या है, कूड़े दान में ही डालें कूड़ा, यानी कि कूड़ा कहाँ डालना चाहिए, कूड़े दान में डालना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है घ, हमारी भलाई किस में है, हमारी कविता के आखिरी, जो हमारी कविता है उसका आखिरी पैराग्राफ में दूसरी लाइन है, मिलजुल कर रहने में ही है भलाई, टेंथ लाइन, पूरी पोयम का टेंथ लाइन है, किसमें भलाई है, तो मिलजुल कर रहने में भलाई है। उसके बाद प्रश्न तीन है, कविता को याद करके कक्षा में लय से सुनाएं, जब पोयम रेसिटेशन करवाऊंगी कंपटीशन तब आप सुनाएंगे इसे, ठीक है, पर आपको क्या करना है, प्रश्न क, ध्यान से सुनेंगे आप सब बच्चे, प्रश्न क बुक में करना है, किताब में ही करना है, लेकिन प्रश्न दो, वन जो है वो बुक में करेंगे, लेकिन प्रश्न टू इसको कहाँ करेंगे हम लोग, इसको अपनी बुक में करेंगे, और बुक में एक सेकेंड, हाँ अभी ध्यान से सुनो, प्रश्न एक बुक में करना है, प्रश्न दो कॉपी में करना है, हिंदी की कॉपी में, जो प्रश्न उत्तर है उसे कहाँ करना है, उसे कॉपी में करना है, ठीक है, और सिर्फ प्रश्न उत्तर ही कॉपी में करना है, बाकी कोई क्वेश्चन कॉपी में नहीं करना है। और इस कविता को आज दो बार पढ़ेंगे, इस कविता को आज दो बार घर में पढ़ेंगे, ठीक है, और जिन बच्चों की बारी आज नहीं आई है मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी बारी नेक्स्ट टाइम में आ जाएगी, लेकिन अगर बच्चों आप में से किसी की बारी नहीं आ पाती है या मैम किसी का नाम नहीं ले पाती हैं, ठीक है, तो वो मुझे मैसेज कर देगा कि मैम तीन चार दिन क्लास हो गया, आप मेरी भी टर्न आ जाए, मुझसे भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, यू जस्ट आस्क मैम, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं हम लोग और दूर हैं, और क्या है स्क्रीन पे ऐसा भी नहीं है कि एकदम रुके हुए हैं, ऐसा भी नहीं है ना, स्क्रीन कभी इधर आती है कभी इधर जाती है, कभी आप इधर चले जाते हो कभी सेकेंड पेज पे चले जाते हो, तो मैम को वो भी नहीं दिखाई देता है कि सिस्टम वाइज आप हो, तो इसलिए कभी कभी कुछ बच्चे जो है वो रह जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है मैम का कि अगर मैम किसी को क्लास के दौरान उसका नाम नहीं लेती है तो वो बुरा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा ना, मैं सब बच्चों से क्वेश्चन पूछ ली, जब आप अपने आप को म्यूट किए हैं तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप सब बच्चे बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं और आप अपना
काम करेंगे। मैम मेरी बारी एक बार भी नहीं आई है, सॉरी श्रेष्ठ। आज तो 1 मिनट लेफ्ट है, सॉरी। आप अपने आप को अनम्यूट करके आप मुझे बता ही दीजिए एक क्वेश्चन का आंसर, ताकि आज आपकी क्लास में टर्न आ जाए। जल्दी से कर लीजिए बेटा, क्योंकि 1 मिनट से लेफ्ट है क्लास का। सॉरी श्रेष्ठ, क्विक अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कूड़ा कहाँ डालना चाहिए।